एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे में स्थित गांव देवापुर पहुंचा। लगभग 14,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान जानकी सैनी हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 7,000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 100 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि उन्होंने ग्राम निधि से गांव में सीसी टाइल्स रोड, शौचालय, पानी निकासी का नाला व गांव के मुख्य रास्ते का निर्माण कराया है एवं सोलर लाइट वे कूड़ेदान भी लगवाए हैं। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सड़क, रेलवे लाइन पर अंडरग्राउंड मार्ग, शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की मांग केंद्र व राज्य सरकार से की है। मैं जगत सिंह सैनी, ग्राम पंचायत देवापुर, विकास खंड मुंडा पांडे, तहसील व जिला मुरादाबाद। यहाँ पर मेरी पत्नी श्रीमती जानकी सैनी ग्राम प्रधान के पद पर 2015 में निर्वाचित हुई। तभी से हम अपने गांव में जो भी विकास कार्य हैं उनको बहुत सही ढंग से शासन के निर्देशों के मानकों के अनुसार कर रहे हैं। गांव में इंटरलॉकिंग का कार्य, नाली निर्माण, नाला निर्माण, सौर ऊर्जा, स्ट्रीट लाइट, शौचालय आदि के कार्य अब तक किए हैं, जिन कार्यों को गांव की पंचायत ने, ग्राम सभा के सभी व्यक्तियों ने सराहा और अच्छा कार्य किया है। अभी तक जो कार्य चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन कुछ कमियां पंचायतों में जो देखने को मिल रही हैं वो कमियां हैं। सबसे पहले सफाई की, जो सफाई कर्मी गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, एक एक पंचायत पे एक एक सफाई कर्मी है, वो सफाई कर्मी कम है। उस सफाई कर्मी को लगभग गवर्नमेंट 25,000 रुपये देती है, जो उतना काम नहीं कर पाते। मेरी ये मांग है गवर्नमेंट से, संविदा पे जो कि रोज़गार भी मिलेंगे, संविदा पे कर्मचारी गांव में रखे जाएं, 7-8 हज़ार रुपये में सफाई कर्मी मिल जाएगा, जो कि 25,000 में लगभग 3 या 4 सफाई कर्मी गाँव में मिल जाएंगे। अगर ऐसा गवर्नमेंट करे तो एक रोज़गार गांव के गरीबों को मिल जाएगा और गांव की सफाई होगी। देखिए, एक क्वेश्चन मेरा ग्राम पंचायत के लिए रह गया, जिसमें कि मेरे यहाँ की आबादी आज की डेट में 15,000 है, लेकिन अभी तक 25% राशन कार्ड ग्रामीणों के बन पाए, राशन कार्ड नहीं बनने, इसलिए गांव की जनता ज़्यादा परेशान है। सप्लाई विभाग में बार बार हम संपर्क कर रहे हैं, बार बार हमने फार्म भी काफ़ी जमा करवा दिए, लेकिन सप्लाई विभाग की कमी रही है, अभी तक हमारे फार्म ऐड नहीं किए जा रहे हैं, जिससे गांव की जनता परेशान है।